अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया और मैं अपनी चैनल वंडर्स ऑफ किचन में आपको वेलकम कहती हूं। हमारी आज की रेसिपी है वेनिला ड्राई फ्रूट केक, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। वेनिला ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए हमने एक बाउल में अंडे लिए हैं। अंडों को विस्क करेंगे और इसमें वेनिला एसेंस डाल देंगे। इस केक को हमने बगैर ओवन और बीटर के रेडी किया है। अब अंडों में चीनी शामिल करेंगे। चीनी को हम दो बैचेस में डालेंगे। अब इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारा मिक्सचर फोमी हो जाए। आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर बगैर बीटर के ही इस केक को बनाएंगे। जब मिक्सचर इस तरह फोमी हो जाएगा तो हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसके लिए एक छलनी ली है। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे और सब चीज़ों को छान लेंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसे हम एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे। आप न्यू रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वेनिला ड्राई फ्रूट केक का मिक्सचर रेडी है। पैन को ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। अब मिक्सचर को इसमें पोर कर देंगे। टैप करेंगे ताकि बबल्स ना रहें। अब ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। हमने बादाम और पिस्ते यूज़ किए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट, किशमिश, काजू वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पतीले को मीडियम फ्लेम पर 6 से 8 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब केक पैन को इसमें बेक होने के लिए रख देंगे। केक को हम 50 से 55 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर बेक करेंगे। पचपन मिनट हो चुकी हैं। अब इसे स्टिक से चेक करेंगे। स्टिक साफ है, इसका मतलब हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। केक को हमने डीमोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बना है ये केक। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा वेनिला ड्राई फ्रूट केक। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप YouTube पर वंडर्स ऑफ किचन की और भी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं और पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।